उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद अफजाल अंसारी के विवाहित बयान के बाद अयोध्या के संतों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने अफजाल अंसारी पर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने वालों से समाज और क्या अपेक्षा कर सकता है। साधु संतों का अपमान करेंगे, सनातन का अपमान करेंगे। यह उस पार्टी के सांसद है जिस पार्टी का मुखिया कहता है कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। राजू दास ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सनातन के विरोध में ही बोलेंगे, अगर किसी में दम हो तो इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में बोलकर देखें, हम साधु हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। राजू दास ने कहा कि अगर हम कट्टरपंथी होते तो त्रिशूल निकालकर अफजाल अंसारी का जय सियाराम कर देते। अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से एक आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहने वाले लोग हैं जो लगातार समाज को तोड़ने की बात करते हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? साधु संतों का अपमान ही कर सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का मुखिया ही कहता हो मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, तो उस पार्टी का सांसद है तो स्वाभाविक है उसके मन में सनातन के प्रति द्वेष रहेगा ही रहेगा। मैं अफजाल अंसारी को ये सलाह दूंगा कि जितना जल्दी हो सके क्षमा मांग लो। अगर तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद पर कोई सनातनी कोई बात कहा होता तो अभी सर तन से जुदा के नारे लग रहे होते, अभी तमाम जो है तो चर्चा हुई होती कि रसूल के सामने गुस्ताखी की जा रही है। और जिस तरह से मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद हैं, उसी तरह से सभी सनातनियों के लिए साधु संत हैं। जब तुम्हें सनातन के विषय में जानकारी नहीं है, साधु संतों के विषय में जानकारी नहीं है, तुम कौन होते हो टिप्पणी करने वाले।